गाइस, वेलकम टू बनीज लाइफ। बहुत दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यस आज है संडे और अभी बज रहे हैं 4। अभी मैंने पूरी रूम क्लीन कर दिया, बस थोड़े से कपड़े हैं जो मुझे फोल्ड करके रखने हैं और हमने बीन बैग भी ले ली है। मुझे बीन बैग बहुत अच्छी लगती है। तो यस, रूम अभी क्लीन हो गई है, अभी 4 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ नहाने, रूम क्लीन कर दिया मैंने चकाचक। और मैं बना रही थी दाल चावल और भरता, क्योंकि मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं है, सब घर गए हैं तो इसीलिए। पहले लगाते हैं कुकर और फिर बनाते हैं भरता नहाने के बाद। तो चलिए जल्दी से। जीवन में इतने दुख है भैया, क्या ही बताऊँ। अभी मैं नहाने जा रही थी, पानी चला गया। कब से 15 मिनट्स हो गए मैं वेट कर रही हूँ, बट पानी नहीं आ रहा है। उसने पहले बोला था 5 बजे आएगा, फिर उसने बोला 5:30 बजे आएगा, फिर अभी तक पानी नहीं आया है। क्या, तो मैंने सोचा कि पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ। मैंने कुकर यहाँ था, हाँ रुको रुको रुको, हाँ कुकर यहाँ मैंने लगा दिया है और बैंगन भी भून दिया है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं और कुछ खाते हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं रूम क्लीन कर रही थी। शिवा बाहर गई है, मोहिनी भी बाहर गई है, मैं अकेली हूँ अभी फिलहाल। तो ये सब चीज़ें हैं, तो चलिए। और बाकी सवेरे वाले अभी तो घर गए थे। मुझे चिड़चिड़ हो रही है, मुझे पहले नहाना था। ऐसा पूरा प्लान मेरा पूरा फ्लॉप हो जाता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो चलिए पहले बनाते हैं बैंगन का भरता। ये कैमरा कहाँ प्लेस करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। जग्गू होती तो अभी तक शूट करके दे भी देती। ठीक है, यहाँ से बहुत धूप आ रही है ना पीछे से। अब ठीक है। मैं कट कर रही थी एक प्याज। और मुझे ये बोलना था, हाँ, कि अगर आपको रूम टूर चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, तो मैं ज़रूर रूम टूर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, बट अच्छा ही रखा है मैं रूम। मुझे क्लीन रूम रखना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा कुछ है। मुझे थोड़ा शूट भी करना था क्योंकि फिर वीकेंड में ही टाइम मिलता है, ऐसा तो टाइम नहीं मिलता है। वीडियो में बहुत गैप हो जाता है, तो सोच रही हूँ मैं झुमका कलेक्शन का व्लॉग जो है वो शूट करूँ, तो जल्दी मैं वो करूँगी। मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो गया है यार। हमारा वॉचमैन बहुत ही अच्छा भी है, पर ठीक है, उसको मैंने बोला पानी शुरू करे पर उसने शुरू ही नहीं किया। अभी वो भी क्या ही करेगा बेचारा। और भरता मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि मैंने मंडे ट्यूजडे ही बैंगन लाया था, बट वो मैंने बना ही नहीं टाइम में, मुझे टाइम ही नहीं था। और कुछ ना कुछ चिकन एंड ऑल यही सब बना रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं भरता बना ही लेती हूँ फाइनली। तो उसमें मैं डाल रही हूँ एक प्याज और एक टोमेटो और थोड़े से पीनट। पीनट मुझे बहुत अच्छे लगते भरते में। झुमका कलेक्शन का व्लॉग मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आई थी, तो मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ। और मैंने दाल राइस ही बनाया, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा था अच्छे से फ्रेश होके मैं पहले खाऊंगी फिर बाद में शूट करूंगी, बट जैसे सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं है, इसीलिए सब कुछ हो गया है फ्लॉप। इसका हम अभी छिलका निकाल लेंगे एंड इसे ऑयल लगा कर ही भूनना है, तभी अच्छा इसे छिलका निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो मैं इसका छिलका निकाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैंने सारा कुछ जो है वो कट कर लिया है। अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं भरता कैसे बनाती हूँ। इसके पहले मैंने डाला था शॉर्ट वीडियो ही डाला था, बट अभी मैं डिटेल में बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ भरता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ऐसा बड़े बड़े ब्लॉगर बोलते हैं ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ जो है वो ऑयल ले लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे जीरा। ऑयल गर्म नहीं हुआ है क्या? ये पचका मेरे साथ ही हो सकता है, थोड़ा गर्म हुआ है थोड़ा नहीं हुआ है। तो उसमें अभी डालेंगे जीरा, उसके बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता, एक कटा हुआ प्याज, उसमें थोड़े से पीनट आ गए हैं, थोड़ी देर बाद डालिए और अभी डाल दीजिए जाने दे। तो पीनट और प्याज मैंने इसमें डाल दिए हैं, इसे हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ मैंने जो क्या है ये, हाँ बैंगन जो है वो भून के साश कर लिया है। आज मेरा सच में बहुत दिन खराब है। मैंने इतना शूट किया और मैंने प्ले का बटन ही नहीं दबाया तो सब पूरा चला गया है। इसमें मैंने डाला है, पूरा चला गया यार वीडियो। रुको मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या डाला। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 स्पून जो है वो मैंने डाला है हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा गर्म मसाला और टोमेटो।
एकदम क्विक क्विक आपके अंदाजे से स्पून से लेकर आप डालिए, मैंने तो डायरेक्ट ये पॉकेट से उठा के डाल दिया। मैं थोड़ा सा डालूंगी ये एवरेस्ट का मटन मसाला, मुझे मटन मसाला और चिकन मसाला एवरेस्ट का बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं हर चीज़ में डालती हूँ इंक्लूडिंग सांभर मसाला। सांभर मसाला मेरे पास नहीं है, मैं अभी 1 तारीख को जब हम जाएंगे डीमार्ट तब लेके आऊँगी। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये पिंक सॉल्ट है, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार बताया था, ये मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, पिंक रॉक सॉल्ट, तो ये कुछ है। अभी ये जो बैंगन था ये मैं इसमें डाल दूंगी, मैं इसे अच्छे से स्मैश कर लूंगी। फाइनली अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। सो आप बोल रहे होंगे कि चीनी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल, मैं हर चीज़ में चीनी डालती हूँ, थोड़ी सी मैं डालती ही हूँ क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं हर सब्जी में थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी, हाफ स्पून से भी हाफ से हाफ एकदम थोड़ी सी चीनी जो है वो डालती ही हूँ। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगता है, क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और जितने भी तीखा फ्लेवर या फिर कुछ अगर आप डालते हो तो उसका फ्लेवर भी इन्हांस हो जाता है, तो इसलिए मुझे चीनी बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा कुछ है, अभी मैं इसे अच्छे से पकने दूंगी और तब तक कुकर ओपन करके देखते हैं कि अच्छे से दाल चावल कुक हुआ है या नहीं। यार एक हाथ से ये सब करना इज़ टफ, बहुत टफ। तो मैं अकेली थी, शिवा और मोहिनी भी बाहर गए हैं, इसीलिए मैंने एक ही इसमें, आओ मम्मा बहुत गर्म है, रुको 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 रुको, हाँ सो मैंने एक ही इसमें दाल और चावल दोनों लगा दिया। ये टिफिन के बॉक्सेस है, इसमें चावल लगाया है और नीचे दाल है और ये भत्ता। दाल को मैं अभी जो तड़का नहीं दूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने ऑयल वाला तड़का दे दिया है, तो वो बहुत ऑयली ऑयली हो जाएगा, इसीलिए जैसे मैंने पहले व्लॉग में बोला था कहीं तो एडजस्ट करना होता है, तो मैं थोड़ा इसमें एडजस्ट कर रही हूँ। सो ये मेरी दाल भी अच्छे से पक चुकी है, अभी इसमें डालूंगी मैं नमक एंड हल्दी। अभी हम कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स एंड अवर दाल चावल एंड सब्जी इज रेडी। इस ये भी अच्छे से पक चुकी है। सो बना लिया है मैंने खाना और मैं तब तक डाल देती हूँ कपड़े बाहर जब तक पानी नहीं आता। गैलरी पे मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया यार, तो चलिए कपड़े डालते, बहुत अच्छी धूप आई है ना, ये शाम की धूप है, मुझे शाम की धूप बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी फोटोज़ भी बहुत अच्छे आते हैं हमारे गैलरी पर, तो ऐसा कुछ है। चलिए जल्दी से कपड़े डालते हैं और फिर पानी का वेट करते हैं। पानी आ चुका है, अभी चालू करते हैं गीजर और जल्दी से नहाते हैं। और अपने बेडरूम कभी नहीं दिखा, नहीं नहीं पूरा रूम टूर दूंगी ना, तब आपको आपको रूम टूर चाहिए या नहीं मुझे कमेंट में बताइए, तभी रूम टूर जो है वो मैं दूंगी। और यस तो चलिए जल्दी से नहाते हैं और कुछ नहीं, मैंने सब कुछ बना लिया है और ये सब मैंने कपड़े भी क्लीन कर दिए है। नहा के अभी मैं बनाऊँगी रील्स और देखते क्या क्या होता है, रील्स कहाँ तक मैं बना पाती हूँ और वीडियोस भी मैं क्या क्या शूट करती हूँ मुझे भी अभी नहीं पता है। तो पहले नहाते हैं और उसके बाद मिलते हैं, तब तक के लिए ये व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, उसके बाद तो मैं रील और वो सब ही शूट करूँगी। तो ये व्लॉग पता नहीं कैसा बना है, ऐसे ही बना दिया मैंने रैंडम, तो ऐसा कुछ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस लाइक, बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो जल्दी से।